प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। लखीमपुर खीरी में शिव धाम में भक्तों ने किया जलाभिषेक, जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम योगी ने की पुष्पांजलि अर्पित। सहारनपुर में अराजक तत्वों ने खंडित की भगत सिंह की प्रतिमा, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, प्रशासन ने हरिद्वार से नई मूर्ति मंगवाई। सोनभद्र में शिक्षकों की सराहनीय पहल, बच्चों में जगाया शिक्षा का महत्व। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोक भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 मिनट का मौन धारण करके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ स्थित लोक भवन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। आगरा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं इन सभी स्कूल प्रबंधकों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम द्वारा स्कूलों में जाकर उनका हाल जाना गया। ताजनगरी के स्कूल द ग्रेट अशोका में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्कूल में 50% छात्रों के साथ क्लासेस संचालित की जा रही है, तो वहीं पूरे विद्यालय को भी सैनिटाइज कराया गया है। स्कूल में छात्र और शिक्षक सभी मास्क का उपयोग करते हुए दिखाई दिए। वहीं छात्रों ने बताया कि अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं और हमें इस बात से काफी खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद ऑफलाइन क्लास हुई है। इतने दिन से हम ऑनलाइन ही ले रहे थे, आज फर्स्ट डे है जो हम स्कूल आए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसा लगता है? ऑनलाइन अच्छा लगता था ज़्यादा कि आपको यहाँ क्लास में अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में कोई ना कोई इशू रहता था, कभी आवाज़ का इशू, कभी नेटवर्क इशू रहता था, इसलिए। जिस तरह कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरह से स्कूल प्रशासन की तरफ से ध्यान में दिया जा रहा है? बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, मास्क प्रोवाइड करे जा रहे हैं, स्कूल में सैनिटाइजर है और साफ सफाई रहती है स्कूल में, अच्छा है। तहसील क्षेत्र में स्थित अति प्रसिद्ध प्राचीन गजमोचननाथ मंदिर में शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध एक भोलेनाथ का मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहां पर गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी। शिवधाम पर पवित्र सावन मास के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन निरंतर किया जाता है, भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। तो आज लखीमपुर खीरी में भी सावन के आखिरी सोमवार का उत्साह देखने को मिला है, जहां शिवधाम में भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया है। आपको बता दें कि जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लखीमपुर खीरी के शिवधाम में देखने को मिली है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर परिसर में शिव भक्तों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने से शिव भक्ति में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि वही लाठीचार्ज में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कवर करने गए क्षेत्रीय रिपोर्टर के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भीड़ के दौरान लाठीचार्ज होने लगा, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा था। मनोज कुमार उप निरीक्षक जो कि लालगंज कोतवाली में तैनात हैं, और 2 कांस्टेबल जिन्होंने मेरा फोन छीन लिया वीडियो बनाने के कारण और वीडियो डिलीट कर दिया। बरेली में शिव भक्तों पर पुलिस का डंडा चला है। आपको बता दें कि पुलिस की एक अमानवीय तस्वीर रायबरेली से देखने को मिली है, जहां पर मंदिर में पूजा करने गए शिव भक्तों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आपको बता दें कि मंदिर में काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे, जिनको नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने इस प्रकार से लाठी चार्ज किया है। वहीं क्षेत्रीय रिपोर्टर पर भी मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर पत्रकार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ भी
मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओमशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओमशंकर, आज जिस तरह से पुलिस का अमानवीय चेहरा रायबरेली में देखने को मिला है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, रायबरेली जिले का बहुत ही सिद्ध स्वयंभू शिवलिंग है। ये शिवलिंग अपने आप निकला हुआ था, स्थापित नहीं किया गया था। इस मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। पुलिस कर्मी अपनी अव्यवस्था को छिपाने के लिए शिव भक्तों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। साथ ही जो रिपोर्टर F7 का पत्रकार कवर कर रहा था, उसका मोबाइल छीन लिया, मोबाइल से वीडियो डिलीट भी करा दिया गया। उसके साथ भी अभद्रता और गाली गलौज की गई है। ये ऐसा इस जिले में कभी नहीं हुआ है कि शिव भक्तों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ हो। ये पहला मामला है, लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारी पूरी तरह से मौन है। जी, तो ओमशंकर, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस बर्बरता करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जो मारपीट की वारदात पूरी सामने आई है जहां पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया है, उसमें क्या कुछ भक्तों के चुटहिल होने के या घायल होने की खबर आपको मिली है? जी हाँ, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो बड़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए थे दर्शन करने के लिए। महिलाएं गिर गई हैं, किसी के घुटने में चोट आई है, किसी के कोहने में चोट आई है, कई बुजुर्ग घायल हो गए हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जिसकी क्षेत्रीय ग्रामीणों ने निंदा भी की है और आक्रोश बहुत ज्यादा है लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी के प्रति। शंकर, जिस तरह से पुलिस का ये चेहरा देखने को मिला है, बेहद ही शर्मनाक है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर सामने आया है? जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन है। पुलिस अधीक्षक ने बाइट देने से भी मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतने कहा, जांच की जा रही है, जबकि पूरे वीडियो सामने आ चुके हैं किस तरह लाठीचार्ज हुआ, किस तरह भगदड़ मची है और जो है लोग गिरकर घायल हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओमशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। वहीं सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन शहीद भगत सिंह की मूर्ति को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भूख हड़ताल पर भी संगठन के लोग बैठ गए। बता दें कि लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने खंडित मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति रखने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों को किसी प्रकार से शांत कराया जा सके। प्रशासन ने देर रात नई मूर्ति मंगवाकर रातों रात उसका स्थापन भी कर दिया है। आज हम किसी काम से गलियारा रोड पे अपना जो हमने कोरोना योद्धा सम्मान का एक अभियान चला रखा है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल को सम्मानित करने जा रहे थे, तो वहीं हमें जानकारी मिली कि आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। आज आज़ादी दिवस के अंदर 15 अगस्त के दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह की मूर्ति को खंडित करना, ये पूरे देश का अपमान है। देश के तमाम युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान का अपमान है, जो देशभक्त क्रांतिकारी युवा हैं, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं, सभी का अपमान है। जहाँ ये सूचना मिली तो हमने पहले विश्वास नहीं किया कि आज के दिन कोई भगत सिंह का अपमान कैसे कर सकता है। हम लोग तुरंत दौड़े, पहले मौके पहुँचे, हमने पूरा मुआयना किया, देखा और हमारा दिल अंदर से द्रवित था और पूरा क्रोधित था, इसलिए हमने आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। हमने यहीं से लाइव अपने साथियों को फोन किया कि हम लोग अभी से भूख हड़ताल बैठे हैं, जब तक इस मूर्ति को बदला नहीं जाएगा सम्मानपूर्वक, तब तक हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे और जब तक प्रशासन मुकदमा दर्ज करके उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक हमारा यह अभियान आंदोलन के चरण में जारी रहेगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए सहारनपुर संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोहेल, जिस प्रकार से बीते दिन शहीद भगत सिंह की मूर्ति को खंडित करने का मामला पूरा सामने आया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए कृति, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कल रात की 8 से 9 बजे के बीच की घटना है, जहाँ पर अराजक तत्वों ने एक जो है शहीद आजम की मूर्ति थी उसे खंडित करने का काम किया था, और उसे खंडित होने के बाद वहां पर जो है काफी सारे हिंदुत्ववादी संगठन के लोग जो है वहां पर, विजयकांत चौहान वगैरह वहां पर जो है धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें प्रशासन ने जो है उन्हें आश्वासन दिया था कि इसमें जो है गंभीर धाराओं में जो है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ हरिद्वार से जो है शहीद आजम की एक और मूर्ति मंगाकर जो है उसे राती में जो है स्थापित कराया गया था। जी कहते हैं सोहेल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीते दिन यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ही शहीद का अपमान देखने को मिला है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति को खंडित कर दिया। वहीं सोनभद्र जिले पर स्थित अजीरेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग बैंड बाजे के साथ चलते हुए नजर आए।
वहीं पर स्थित अजीर नदी से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक करने के बाद विशाल भंडारे का भी वहां पर आयोजन किया गया है। वहां मौजूद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी मंदिर परिसर में देखने को मिले। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सोनभद्र संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रविंद्र, जिस तरह से आज सावन का आखिरी सोमवार है, वहां सोनभद्र में क्या कुछ मंदिरों की स्थिति आप देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है, संपर्क टूट गया है। तो सोनभद्र से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सावन के आखिरी सोमवार में सोनभद्र के मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे सोनभद्र के मंदिरों से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में शिव भक्त शिव मंदिर पहुंचे हुए हैं और वो अपने इष्ट का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर सावन के आखिरी सोमवार में जनसैलाब भक्तों का देखने को मिला है। लखीमपुर खीरी में किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर गोमती नदी में चल रही भूख हड़ताल के साथ जल सत्याग्रह भी किया जा रहा है। वहीं जल सत्याग्रह को कर रहे दो किसान नेताओं की तबियत अचानक बिगड़ गई। इसको लेकर प्रशासन कोई भी हालचाल उनके नहीं ले रहा है। तबियत बिगड़ने के बाद दोनों किसानों को नदी से निकालकर पेड़ की छाया में लिटाया गया है। तो इस वक्त लखीमपुर खीरी में किसानों का सत्याग्रह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गोमती नदी में चल रही भूख हड़ताल के साथ किसानों ने जल सत्याग्रह की भी शुरुआत कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जल सत्याग्रह कर रहे दो किसान नेताओं की अचानक से तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल नदी से निकाल कर किनारे पर लिटाया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि इस पूरे मामले में प्रशासन मौन बना हुआ है और प्रशासन कोई भी खबर लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंच रहा है। जिस प्रकार से जनपद हरदोई और जनपद लखीमपुर खीरी के किसानों की समस्याओं को लेकर 12 अगस्त से यहीं गोमती नदी पुल पर धरना प्रदर्शन संगठन के द्वारा किया जा रहा है और 13 तारीख से आमरण अनशन 14 तक चलता रहा, फिर 15 अगस्त को इसको जल सत्याग्रह में परिवर्तित करना पड़ा। कारण यह है कि दोनों जनपदों के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, वह किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान को चाहिए कि हमारा काम जमीन पर दिखना चाहिए, लेकिन दोनों जनपदों के जिलाधिकारी पता नहीं किस घमंड में हैं, किस तरीके से किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से किसान यहाँ धरने पर हैं और 2 दिन हो गए जल सत्याग्रह में बैठे हैं भूख हड़ताल के साथ में, लेकिन दोनों जनपदों के जिला जहां कोरोना वायरस जैसी बीमारी से पूरा देश परेशान है, वहीं सोनभद्र के कंपोजिट विद्यालय बीजापुर के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने पूरे ग्राम सभा के अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चों को एकत्रित करके उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय बीजापुर के अध्यापक अध्यापिकाओं की लगातार प्रशंसा की जा रही है। अध्यापन का कार्य करने वालों में आशा रानी, संध्या सिंह सरोज, अजय कुमार गुप्ता, नारायण दास गुप्ता के साथ कई लोग मौजूद हैं। तो सोनभद्र में शिक्षकों की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कोरोना के चलते स्कूल बंद है, वहीं शिक्षकों की ये सराहनीय पहल देखी गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सोनभद्र संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रविंद्र, जिस तरह से सोनभद्र में शिक्षकों की सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां पर शिक्षक क्षेत्रों में पहुंच पहुंच कर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जहां एक तरफ शिक्षकों पर अक्सर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन कंपोजिट विद्यालय बीजपुर के शिक्षक इस कोरोना जैसी महामारी को दरकिनार करते हुए भी अलग अलग मोहल्लों में टोलों में जाकर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में इनकी प्रशंसा हो रही है।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोनभद्र से ये एक सराहनीय पहल शिक्षकों की देखने को मिल रही है, जहां पर कोविड काल के चलते जहां एक तरफ स्कूल बंद कर दिए गए थे, वहीं छोटे बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिल रहा था, जिसके बाद सोनभद्र में कुछ शिक्षकों ने इकट्ठा होकर बच्चों में शिक्षा की लौ जगाने का काम किया है। वो कई क्षेत्रों में जा जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी लगातार सोनभद्र में प्रशंसा की जा रही है। तो बच्चों के लिए एक सराहनीय पहल इस वक्त सोनभद्र के शिक्षकों में देखने को मिली है, जहां पर छोटे बच्चों की क्लासेस काफी दिनों से परेशान चल रही थी, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे क्लासेस टाइम से अटेंड नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद अब कुछ शिक्षकों की एक छोटी सी पहल देखने को मिली है, जहां पर कंपोजिट विद्यालय बीजपुर के कुछ शिक्षकों ने मिलकर पूरी ग्राम सभा के अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तो कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता रवि प्रताप सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रवि प्रताप बने कानपुर श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रवि प्रताप सिंह। बता दें कि उनको इस पूरे मामले पर विधायकों ने शुभकामनाएं प्रदान की हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बीजेपी नेता रवि प्रताप सिंह को मिली है। आपको बता दें कि रवि प्रताप कानपुर श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं रवि प्रताप सिंह, जिन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के द्वारा दी गई है, जहां पर बीजेपी नेता रवि प्रताप सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कानपुर श्रम प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। और इसी बीच औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला की बड़ी बेरहमी के साथ की गई है हत्या। हत्या के बाद शव को जलाने का मामला सामने आया है, वहीं घटना के बाद से इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। खानवा एरवा कटरा नगला अतवल का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां औरैया से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की गई है, वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जला दिया। पूरा मामला सामने आने के बाद से इलाके में इस वक्त हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। थाना एरवा कटरा के नगला अतवल का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ बेहद ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई है, जहां हत्या के बाद उसका शव भी जला दिया गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।